हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक नया एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं फेमा। थोड़ा सा पहले इस एक्ट का बैकग्राउंड समझते हैं। फेमा कब आई, ईयर से पता चल रहा है ना 1999, और दो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जून 2000, राइट। बट एक्ट में, क्योंकि अब एक्ट में क्या लिखा हुआ है 1999, इसका मतलब ये है कि इसके पहले क्या कोई इससे रिलेटेड एक्ट थी। देखो दो टर्म्स हैं इसमें, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज इज वन टर्म, राइट। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो हम समझते हैं एकदम कॉमन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ लेमैन, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी, है ना, जो हम बोलते हैं डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सारे क्या है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए, है ना। हमारे पास अगर है तो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए ये एक्ट आई है, उसको मैनेज करने के लिए ये एक्ट आई है, राइट। क्या इसके पहले मैम कोई और एक्ट इससे जुड़ी हुई हुआ करती थी, यस, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। उसको इस एक्ट ने आके रिपील कर दिया। क्यों रिपील कर दिया, देखो आपको पता है कि कभी भी कोई एक्ट अगर होती है तो उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं टाइम एंड अगेन, राइट। क्यों लाए जाते हैं, बिकॉज विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, विद द चेंजिंग नीड, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन अमेंडमेंट्स, राइट। बट जब एक्चुअली उस एक्ट में रिवोल्यूशन चाहिए होता है, मतलब आज के सिनेरियो के हिसाब से सारे प्रोविजंस ही एकदम ऑब्सोलीट टाइप के हो गए हैं, तो उस एक्ट को ही हटाना पड़ता है और दूसरी एक्ट लाना पड़ता है, राइट। तो वैसा ही, ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी। क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अभी आई डिस्कस विद यू द डिफरेंसेस बिटवीन फेरा एंड फेमा, बट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बेसिकली कंट्रोल्ड दीज प्रोविजंस, बेसिकली कंट्रोल्ड दीज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती थी। टर्म में आप देखो रेगुलेशन और मैनेजमेंट, राइट, देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली रेगुलेट भी नहीं होते थे, वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी। यहाँ पे क्या है, मैनेज किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस को। आपको क्या लगता है, फॉरेन एक्सचेंज को हमें प्रमोट करना चाहिए या उसको कर्ब करना चाहिए और बोलना चाहिए नहीं, प्रमोट करना चाहिए? क्यों प्रमोट करना चाहिए? हम बोलते हैं हमारी कंट्री के इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इज इट अ गुड थिंग और अ, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो अ पैरामीटर, वन ऑफ द पैरामीटर्स टू डिटरमाइन हाउ रिच योर कंट्री इज। आपके पास अच्छे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, गुड, यू आर इन अ पोजिशन कि आप इम्पोर्ट्स कर सकते हो। आप मेरी बातों से हो रिलेट कर पा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज, आपको यहाँ से लंदन जाना है घूमने, क्या आप पैसे लेके जा सकते हो, पैसे मतलब इंडियन रुपी लेके जा सकते हो? क्या आप वहां पे किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने अपनी कोई मील ऑर्डर की एंड यू ऑफर्ड देम इंडियन रुपी, वो एक्सेप्ट करेंगे? वो एक्सेप्ट करेंगे? लाइकवाइज अगर कोई फॉरेनर आ जाता है और इंडियन स्ट्रीट्स पे मार्केटिंग करता है, सपोजिटली इंडियन स्ट्रीट्स पे मार्केटिंग करता है और उसके बाद डॉलर निकाल के दे रहा है, उसने कहा 500, उसने निकाल के दे दिया $500, इमेजिन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वो हमारी करेंसी ही नहीं है, हम उस करेंसी को लेके कर क्या लेंगे, राइट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है। Whenever a person from India goes outside, तो उसको foreign exchange चाहिए होता है to spend. And whenever, that means there is an outflow of foreign exchange. और जब कभी कोई person आता है बाहर का, तो वो inflow, वो लेके आता है foreign exchange, है ना? जैसे अगर हम exports और imports की बात करें, जब हम export कर रहे हैं, तो हमारे पास foreign exchange आ रहा है। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, राइट। यू नीड टू मेक दैट परचेज थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज कम ज्यादा, किस चीज को परमिट करें, किस चीज पे बैन लगाएं, कहां हमको लगता है
इसी से जुड़ी हुई एक और एक्ट है फॉरेन एक्ट कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है, तो वो भी इससे क्लोजली रिलेटेड है एंड वील सी। बट द पॉइंट हियर इज कि इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है एंड व्हाई रिपील और व्हाई दैट पर्टिकुलर एक्ट जो भी मैंने आपको कहा फेरा वाज रिप्लेस्ड, क्योंकि 1991 में आया मनमोहन सिंह का टाइम और उसके साथ आया लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सुना होगा आपने, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, वी आर ओपनिंग अप द चैनल्स कि आइए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, एंड वी वर ट्राइंग टू रिमूव दिस बॉर्डर बैरियर्स, है ना, तो क्रॉस बॉर्डर लोग फ्रीक्वेंटली काम कर सके, फ्रीली काम कर सके, उसके लिए सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। तो एक तरफ तो आप इन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं ये ऐसे नहीं कर सकते, वो वैसे नहीं कर सकते, इतने सारे चेक्स, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि लिबरलाइज हो, तो हाउ विल एनीवन लिबरलाइज, कैसे ये दोनों जेल कर पाएंगे। तो उस सिनेरियो में, उस पोस्ट लिबरलाइज्ड एनवायरमेंट में फेरा अपनी आइडेंटिटी खो रहा था, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग प्रोविजंस थे, ठीक है, जो उस एनवायरमेंट में जेल ही नहीं कर पा रहे थे। सो टाइम वाज नीडेड कि एक ऐसी एक्ट लाई जाए जो उस एनवायरमेंट के हिसाब से बनी हो। सो दैट इज व्हाई फीमा वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल नहीं करता है बट एक्चुअली मैनेज करता है, एक्चुअली मैनेज करता है, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ फ्रीली ट्रांजैक्शंस भी हैं, अभी आप सब धीरे धीरे पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज पीआरआई, व्हाट इज पीआरओआई, तो एक एक करके जब आप टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा हाँ व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट। ओके, सो दिस पर्टिकुलर नहीं फेरा आई थी इन द ईयर 1974, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999, लिबरलाइजेशन का टाइम आया 1991 में, तो तब तक फेरा ठीक थी, उसके बाद फेरा में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई, ठीक है। सो फेमा केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 2000। इस पर्टिकुलर एक्ट की अगर आप बात करो तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 49 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये एक्ट आई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. So nowhere it is controlling. Facilitating external trade and payments, हम तो facilitate कर रहे हैं, we are facilitating, ठीक है, as well as promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है उसको और बूस्ट करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको डेवलप करना है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस, ठीक है, मतलब दो मैंने आपको चीजें बताई ना, इनफ्लोज भी होते हैं आउटफ्लोज भी होते हैं, सो वी हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर मार्केट, वी हैव टू प्रमोट दैट मार्केट, ठीक है। पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू एक्ट्स, दैट इज फेमा एज वेल एज फेरा, फेमा एंड फेरा, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस क्या है। देखो फेरा की अगर हम बात करें तो फेरा का जो मोटिव था वो फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेस को कंजर्व करना था, ठीक है, कंजर्व करना था कि इसका मिसयूज ना हो और इसको हम कंट्रोल करके रखें, इसका कोई यूज ही ना कर पाए, ठीक है, जैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन पे इतना बिलीव करते हैं ना, अब यहाँ पे क्या है, मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना है, आप खर्च भी करो, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ। फेमा का मोटिव क्या है, प्रमोट एंड डेवलप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, ओके, नाम से हमें समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है, वहां पे क्या था, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाता था। जब आप पढ़ोगे अभी पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो
अब आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट में, लेट अस फेमा में, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप, पर फेरा में सिटीजनशिप वॉज द फैक्टर टू डिटरमाइन दिस. अब सिटीजनशिप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिटीजनशिप इज नोवेयर कंसिडर्ड. फेरा में जितने आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस थे उनको प्रोहिबिट किया गया था, या अनलेस यू ऑब्टेन सम स्पेशल परमिशंस. फेमा में ऐसा नहीं है, जितने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं वो तो परमिसिबल हैं. अभी आप देखोगे फ्रीली परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कुछ में है दैट दे आर सर्टेन कंट्रोल्ड बाय सर्टेन रूल्स, कुछ बातें आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्रीली permissible transactions भी हैं. वहां पे क्या था, सबको control किया जाता था, सारे के सारे prohibited थे. फेरा में अगर आपने provisions को contravene किया तो आपके ऊपर criminal liability भी attract होती थी, criminal offense हो जाता था. अब क्या है, only civil liability is there, ठीक है. So फेरा क्या होता था, बहुत harsh हुआ करता था. अब फेमा में अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रवीन किया है तो इट विल बी आई अंडरस्टैंड सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, राइट. सो फेमा के प्रोविजंस को अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया है तो यू विल बी लायबल दैट यू हैव डन अ सिविल रॉन्ग, राइट. नो क्रिमिनल लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड, सब्सिक्वेंटली नो क्रिमिनल पेनाल्टी विल बी अट्रैक्टेड. ओके, फेरा में क्या होता था, प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया. मेंस रिया आपको पता है, लॉ में हम ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ अ गिल्टी माइंड. प्रिजम्पशन ऑफ अ गिल्टी माइंड दैट मीन्स यू नीड टू प्रूव अदरवाइज. यहां पे आपको क्या करना होता है, आपको अपना जैसे अगर मैं बोलू कि आपने सपोजिटली जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने एक किडनेपिंग की है, ठीक है. नाउ आई डोंट हैव टू प्रूव कि आपने किडनैपिंग की है, यू हैव टू प्रूव कि मैंने किडनैपिंग नहीं की है. सो कोर्ट अगर इस एक्ट में कोई भी फेरा में, आई एम टॉकिंग अबाउट फेरा, अगर फेरा में कोई भी पर्सन ऐसे आता था कि उसने कॉन्ट्रवीन किया है तो कोर्ट ये मान के चलता था कि ये गिल्टी माइंड का है, यू प्रूव कि मैंने ये नहीं किया है. अब फेमा में ऐसा नहीं है, फेमा में देर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया, देर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माइंड. अब क्या है, जो सामने वाला पर्सन आएगा उसको प्रूफ करना होगा कि हाँ इसने, मतलब प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है. यू ब्रिंग सम एविडेंस, राइट, उसके बाद ट्रायल चलेगा. अब ऐसा नहीं है कि देर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी माइंड. तो पहले आप सोचो कि फेरा में कितने हार्श प्रोविजन हुआ करते थे, कितनी ज्यादा कंट्रोलिंग हुआ करती थी. फेमा को भी लिबरलाइजेशन के साथ लिबरलाइज कर दिया गया, राइट. फेमा में ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं, जबकि फेरा में नहीं हुआ करते थे. फेरा में नहीं हुआ करते थे, फेरा में सिर्फ एक एपिलेट अथॉरिटी थी, फेमा में दो एपिलेट अथॉरिटी है. दैट इज अभी आप देखोगे स्पेशल डायरेक्टर अपील्स एज वेल एज एपिलेट ट्राइब्यूनल. ओके, लीगल असिस्टेंस जैसे होता है ना, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, कि आप किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर या सीए की हेल्प ले सकते हो अंडर फेमा. अंडर फेमा नाउ अंडर फेरा यू कुड टेक हेल्प ऑफ एनीवन. आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, एनी फ्रेंड और रिलेटिव कैन आल्सो रिप्रेजेंट एक्यूज्ड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस. एंड फेमा में आरबीआई फैसिलिटेटर है, जबकि फेरा में वो एक रेगुलेटर हुआ करता था. सो हियर वी आर ओनली ट्राइंग टू फैसिलिटेट थिंग्स, ठीक है. अच्छा, फैसिलिटेट नहीं, फैसिलिटेट करना मतलब कोई भी चीज को और आपके लिए आसान बनाना, ठीक है. आई एम फैसिलिटेटिंग दिस, आई एम मेकिंग इट इजियर फॉर यू. अभी आप फैसिलिटेट कर रहे हो ट्रेड, तो और उसमें क्या होगा, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको इंकरेज कर रहे हैं, हम हाँ बिल्कुल स्मूदनिंग द होल प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है. सो आई होप यू हैव एस्टैब्लिश्ड द डिफरेंस बिटवीन फेमा एंड फेरा. क्लियर है डिफरेंस.
सो अब आपको पता है कि क्यों फेरा को हमने रिपील किया और क्यों फेमा को हमने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, फेमा को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था कि हम एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह को क्या करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे, और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको डेवलप करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे. हम ट्रांजेक्शन को कर्ब नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें कंजर्व नहीं करना है. वी वॉन्ट टू प्रमोट दिस. ठीक है, वी वॉन्ट टू एनकरेज पीपल कि और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा बढ़िए. ठीक है, वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑल्सो. ठीक है, कि लोग आए और उसके बाद हमारे भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेन डेफिनेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेन डेफिनेशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमको समझनी जरूरी है, उसके बाद हम स्टार्ट कर पाएंगे. फॉरेन एक्सचेंज, अभी तो एक्ट के हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं. देखो फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आखिर होता क्या है अकॉर्डिंग टू द एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 2 क्लॉज एन में डिफाइंड है. फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी. अब फॉरेन करेंसी क्या होती है? फॉरेन करेंसी सेक्शन 2 क्लॉज एन में डिफाइंड है. फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी. अब सवाल ये उठता है कि करेंसी क्या होती है और इंडियन करेंसी क्या होती है. सो इंडियन करेंसी तो अगर आप बात करो तो इट मीन्स करेंसी विच इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. ओके, विच इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. अगर करेंसी की बात करें हम, देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी हो गया, राइट? फॉरेन करेंसी का मतलब नॉट इंडियन करेंसी हो गया. और उसके बाद हमको देखना है कि करेंसी क्या होती है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं करेंसी, सेक्शन 2 क्लॉज एच. करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स. सबकी पॉकेट में कुछ ना कुछ तो नोट्स होंगे, है ना? कितने भी गरीब अमीर हो यार, थोड़े तो नोट्स होंगे. आई थिंक मेरे भी वॉलेट में 10-20 रुपए तो मिल ही जाएंगे, राइट? तो ये क्या है? करेंसी है. करेंसी नोट्स है, करेंसी कॉइन्स नहीं, करेंसी नोट्स. पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, ये तीनों आपको पता है आज के टाइम में तो उतने नहीं चलते हैं, बट पहले के टाइम में तो बहुत ज्यादा चलते थे. किसी को भी अगर, हाँ, अब तो क्या है, इतने एडवांस सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब से रिवाइव हो गई हैं तब से क्या है, ये चीजें आउटडेटेड हो गई हैं. अदरवाइज पहले क्या होता था, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, यही हम सेंड किया करते थे. ठीक है, तो उनको भी बोला गया है दे आर ऑल्सो एक्चुअली करेंसी ओनली. अगर आपके पास चेक है तो वो भी करेंसी है, चेक है तो वो भी करेंसी है. ठीक है, अगर आपके पास ड्राफ्ट है तो वो भी करेंसी है, डिमांड ड्राफ्ट. ठीक है, वो भी करेंसी है. अगर आपके पास ट्रैवलर्स चेक है तो वो भी करेंसी है. ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ट्रैवलर्स चेक, देखो पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो अगर आज आपको कहीं पे भी जाना है, सपोजिटली यू वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर, तो आप क्या करोगे? यू कैन कीप सम कैश. आप थोड़ा सा कैश रखोगे और आप कार्ड रखोगे अपने साथ, है ना? एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको लगता है कि विल बी यूजफुल टू मी, वो आप रख लोगे. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट दैट सेफ टू कैरी इतना कैश विद यू, है ना? सो व्हाट यू विल डू इज यू विल रिजॉर्ट टू कार्ड्स. बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था. अगर हमें जाना है और मान लो कुछ मुझे बिजनेस डील करनी है, ठीक है, तो मैं कितना कैश लेके जाऊंगी, कितना कैश लेके जाऊंगी? इट माइट कॉज सम प्रॉब्लम टू मी. रस्ते में थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, तो क्या करेंगे? अब आप बोलोगे कि मैम चेकबुक भी कैरी कर सकते थे अगर कार्ड नहीं था तो चेकबुक में भी तो लिमिटेशन होती थी. सबसे पहला बैंक जरा सोचना, अगर खुला होगा तो कैसे खुला होगा? सबसे पहला बैंक कैसे खुला होगा? बैंक होगा एक, है ना? एक बैंक होगा, एक सेफ जगह, तो लोगों को बुलाओगे, आप अपना पैसा यहाँ पे रखिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, इस तरीके से खुला होगा, राइट?
तो ये बैंक सीबीएस तो नहीं है, दे नॉट सेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस, राइट, कि यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हैं सब, कि आपने यहाँ पैसा डाला वहां पता चल गया, इससे निकाल लो उससे निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो चेक्स के भी क्या थे, लिमिटेशंस थे, तो उस सिचुएशन में चलता था ट्रैवलर्स चेक जो लोग कैरी करते थे और फिर वो आपको दे देते थे, ठीक है। तो ट्रैवलर्स चेक स्पेशली उन कंडीशंस के लिए हुआ करता था। देन यू हैव लेटर्स ऑफ क्रेडिट, लेटर्स ऑफ क्रेडिट भी आई एम श्योर आपको पता होगा। लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो उन सिचुएशन में क्या होता है, बैंक क्या करता है, एलसी बना देता है हमारे लिए। वो क्यों बनाता है, बिकॉज सपोजिडली हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे आप पहले हमें दे दीजिए उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। या वो हमको बोलेंगे आप पहले पेमेंट कर दीजिए बाद में हम आपको गुड सप्लाई करेंगे, तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। सो वॉट वी गो थ्रू इज वी गो थ्रू अ बैंकिंग चैनल, ठीक है, और एलसी प्रिपेयर होती है, लेटर्स ऑफ क्रेडिट। वो क्या होता है, हमारी तरफ से उनको भी पेमेंट की सिक्योरिटी हो जाती है कि ये तो अब मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो एलसी इशू हो जाता है और वो हमको देना होता है तभी हम इम्पोर्ट कर पाते हैं। सो इट इज बेसिकली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ऑल्सो। तो लेटर्स ऑफ क्रेडिट को भी हम क्या बोल रहे हैं, करेंसी मान रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके आ गए। क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी नोटिफाइड। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें चेक ले लिया, ट्रैवलर्स चेक ले लिया, तो क्यों डेबिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स ये सब नहीं लिए। ये सब भी आप ले सकते हो। सो कोई भी चीज विच कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज अ करेंसी। क्यों डेबिट कार्ड इज अ करेंसी, कहीं पे भी स्वाइप कर दो आप, हुआ कि नहीं हुआ। सो ये सारे के सारे क्या आ गए, करेंसी में इंक्लूड हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे करेंसी हो गए। अब जो भी ये सारी की सारी करेंसी, मतलब अगर आप चेक की बात करो या आप डेबिट कार्ड की बात करो, आप एटीएम की बात करो, आप करेंसी नोट्स की बात करो, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड और इट इज ड्रॉन इन इंडियन रुपीज, देन इट विल बी नोन एज इंडियन करेंसी, देन इट विल बी नोन एज इंडियन करेंसी। और फॉरेन करेंसी वो होती है जो इंडियन करेंसी नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप फॉरेन करेंसी तक का मीनिंग क्लियर है। अब फॉरेन करेंसी का अगर मीनिंग क्लियर है तो वापस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे, वापस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी, और इसके साथ साथ कुछ और बातें इंक्लूडेड हैं। एंड इंक्लूड्स, व्हाट इट इंक्लूड्स, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेएबल इन फॉरेन करेंसी। सो व्हाट एवर योर लायबिलिटी इज इन फॉरेन करेंसी, दैट इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आपके पास जो फॉरेन करेंसी है उसको तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज, साथ साथ जो भी डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल है वो भी फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज है। जो ड्राफ्ट हैं, ट्रैवलर्स चेक्स हैं या एलसी हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, सुनना बड़े ध्यान से बात, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, विच इज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी पर आपको जो पेमेंट करनी है वो फॉरेन करेंसी में करनी है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। एंड इफ इट इज ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी एंड पेएबल ऑल्सो इन फॉरेन करेंसी, वो तो फॉरेन एक्सचेंज है ही है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये हो गई फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, दूसरी बात ये हो गई कि कोई भी अगर आपके पेबल्स हैं तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगे अगर फॉरेन करेंसी में पेबल है। तीसरी बात ये हो गई कि आपने ड्रॉ किया है इंडियन करेंसी में पर आप पेबल कर रहे हो, मतलब यू हैव टू पे इट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। चौथी बात, नहीं वो बात जाने दो, चौथी बात कि अगर आपने ड्रॉ किया है आउटसाइड इंडिया बट इट इज पेबल इन इंडियन करेंसी, कहीं ना कहीं इंडिया का रिलेशन होगा तब ना हम उसको फॉरेन बताएंगे, अगर दोनों फॉरेन है तो फिर वहां के लिए तो फिर हमें उसमें हम कहां से आ गए, राइट। सो ड्रॉन इन इंडिया पेबल आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया पेबल इन इंडिया,
ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगे. सो सपोजेडली मान लीजिए कोई चेक है विच इज ड्रॉन इन इंडिया बट इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएगा. हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा पेमेंट और रिसीट्स और इस सब की हम बात कर रहे हैं, हम तो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, फॉरेन रिसीट्स या फॉरेन पेमेंट्स की आप बात नहीं कर रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, आप बात कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की. नहीं, सपोजेडली अगर आप बोल रहे हो कि वहां पे क्या है मैम, इट इज डिपॉजिट्स क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, को आपने बोला ना डिपॉजिट्स बैलेंसेस इन पेबल, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा वो. सो आई होप दिस इज क्लियर. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट्स क्रेडिट्स बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट्स ट्रैवलर्स चेक्स एलसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी. अभी आपको पता ही नहीं है ना ड्रॉन बाय बैंक्स इंस्टीट्यूशंस और PROI, यू डोंट नो व्हाट PROI इज, ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी लिमिटेशन होती है क्योंकि अभी आपको इसमें चीजें कुछ नहीं समझाई जा सकती हैं, बट वन बाय वन आप जैसे प्रोग्रेस करोगे आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉइन्स क्या इंक्लूड नहीं होते, कॉइन्स बिल्कुल इंक्लूड होते हैं. कहां पे करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, नहीं यहां पे करेंसी नोट्स का मतलब ये नहीं, अब आप 100 रुपीज का अगर कॉइन निकल जाएगा तो क्या कॉइन्स इंक्लूड नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. सो करेंसी नोट्स इंक्लूड कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एज वेल एज नोट्स, ठीक है, बैंक नोट्स. नहीं, वो कंफ्यूजन मन में मत क्रिएट करो, ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है, नोट्स को मैंने स्पेसिफाई किया तो दैट मीन्स ओनली, हाँ नहीं. अच्छा लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, करेंसी नोट्स आपने जहां पे देखा ना करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कॉइन्स इंक्लूड नहीं हो रहे, कॉइन्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है. अब गवर्नमेंट निकाल देगी अगर तो, ठीक है. चलो अब दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, टू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज वेल एज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. समझने वाली बात तो सिर्फ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, क्योंकि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो वो है जो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, ठीक है. तो बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सबसे पहले तो पर्सन का मतलब क्या होता है, आपने कई जगह कई एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, यहाँ पे भी सिमिलर डेफिनेशन है. इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, देन एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, ये सारे के सारे क्या आ गए, पर्सन की डेफिनेशन में आ गए. एजेंसी ब्रांच ये सब भी पर्सन की डेफिनेशन में आ गए. अब सवाल ये उठता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन है. एक बात तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो वी हैव नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट. अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो क्या वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा, तो बिल्कुल कहलाएगा. सिटीजनशिप इज नॉट रेलिवेंट. ओके, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, अच्छा एक बात मुझे बताना कि एक पर्सन आउटसाइड इंडिया,
आउटसाइड इंडिया क्यों जा सकता है? आउटसाइड इंडिया क्यों जा सकता है? यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड इंडिया, वाई विल यू गो? क्यों आप जाओगे इंडिया के बाहर? घूमने जा सकते हो, हॉलीडे वेकेशन, और क्यों जा सकते हो? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, और क्यों जा सकते हो? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकली ग्राउंड्स पे आप जा सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हो, और क्यों जा सकते हो? टू रिसाइड देयर परमानेंटली, ठीक है, आप शिफ्ट कर रहे हो, यू आर इमिग्रेटिंग, ठीक है, और क्यों जा सकते हो? ठीक है, ब्रॉड आइडिया मिल गया, क्यों क्यों जा सकते हैं हम? वाई कैन वी गो आउटसाइड इंडिया? इंडिया, अच्छा ये मिस्टर ए थे, मैं तो मिस्टर ए को ही मिटा दिया. हाँ, मिस्टर ए चाहेंगे तो मिस्टर ए ही रहेंगे, बदल थोड़ी ना जाएंगे. सो ये रीजंस हमारे हो सकते हैं फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया. अब सुनो, एक पर्सन है रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज. फॉर मोर देन 182 डेज, व्हाई एम आई रिपीटिंग इट, कि अगर 182 डेज है तो नहीं चलेगा. फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो जब भी आप बात कर रहे हो उसके प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसके प्रिसीडिंग 12 मंथ्स में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बात कर रहे हैं कि क्या आप 182 डेज से ज्यादा रिसाइड कर रहे थे. स्टेज नहीं है, रिसाइड लिखा हुआ है. और रिसाइड की अगर हम बात करें तो इट नीड्स सम काइंड ऑफ परमानेंसी. इट नीड्स सम काइंड ऑफ परमानेंसी, ठीक है, मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए. देयर शुड बी, ऐसा नहीं, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप देखो फ्लाइट्स में क्या होता है, बहुत सारे हाँ एयर होस्टेस होते हैं, केबिन क्रू होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, आते हैं और उनको क्या करना हो रहा है, मान लीजिए उनकी हमेशा ड्यूटी ऐसे इंडिया की इधर से उधर फ्लाइट में लगती है, तो वो आते हैं और उनको ले ओवर करना पड़ता है, ठीक है. क्या आप उसको बोलोगे दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिसाइडिंग? नहीं, रिसाइडिंग हम उसको नहीं बोल पाएंगे. क्यों? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कंपल्सिव स्टे, उनको फोर्स किया जा रहा है, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है, वो तो उनका ले ओवर है. तो रिसाइड वर्ड ऑल्सो इम्प्लाइज सर्टेन काइंड ऑफ परमानेंसी, ठीक है. फिर से पढ़ते हैं जरा, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया. सो एक पर्सन को रिसाइड करना है इंडिया में फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट इट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन ईदर केस फॉर टेकिंग ऑन फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, इंडिया में थे 184 डेज के लिए, ठीक है, और उसके बाद ये कहां चले गए? मान लीजिए ये चले गए दुबई फॉर अ जॉब. वहां पे उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट टेकअप कर लिया एंड ही शिफ्टेड देयर. वो चले गए किस पर्पस के लिए? फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट. तो वहां पे शिफ्ट ही हो गए ना, ऐसा तो इरादा नहीं है कि 2-4 दिन जॉब करके वापस आ जाएंगे. तो यहाँ पे ऑल्दो ही सैटिस्फाइंग दोज कंडीशंस जो लिखी हुई है कि ही इज अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, बट स्टिल हमने बोला कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से जाता है तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे. सेकेंड सिचुएशन दी है फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया. अच्छा, वोकेशन लिखा है, वेकेशन नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. वोकेशन मतलब क्या होता है? हाँ, कोई भी प्रोफेशन वगैरह आप टेकअप कर रहे हो, ठीक है.
सो अगेन आप बोलो तो ये पॉइंट इंक्लूड हो गया हमारा. ये चले गए दुबई एक बिजनेस करने के लिए. दैट मीन्स आपका जो इंटेंशन हो गया वो अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. यू आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाई? बिकॉज यू हैव एक्चुअली चेंज्ड योर रेसिडेंस, है ना. आपने कैसे, आपके काम से आपको इंटेंशन समझ में आ रहा है ना. अगर आप इंप्लॉयमेंट अब वहां पे ले रहे हो, आप बिजनेस वहां कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वहीं रहोगे. आप वहीं रहोगे तो आप कैसे रेसिडेंट कहलाओगे इंडिया के, ठीक है. तो ऐसे पर्सन को हम नहीं मानेंगे. फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए भी अगर आप जा रहे हो, पहला पर्पस हो गया आप इंप्लॉयमेंट ले के जा रहे हो, दूसरा पर्पस हो गया आप बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस का वोकेशन, तीसरा पर्पस हो गया आप किसी और पर्पस के लिए भी जा रहे हो, पर इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड. नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि अनसर्टेनिटी को हम कैसे डिफाइन करें, अनसर्टेनिटी को हम कैसे डिफाइन करें. आपको बोला गया किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो, पर ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि आप बता नहीं पा रहे हो, आप बता नहीं पा रहे हो कि आप कितने समय के लिए जा रहे हो, और आपका जो इंटेंशन है, आपका जो इरादा है, वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने का है, ठीक है. जैसे लोग जाते भी हैं शॉर्ट प्रोजेक्ट वगैरह पे, अगर आपको भेजा गया है तो आपका प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, आपको नहीं पता है 2 साल 4 साल 5 साल लग सकता है. तो वो क्या हो गया, एक अनसर्टेन पीरियड का आपका इंटेंशन हो गया. पर Supposedly, आप मेडिकल ग्राउंड्स पे जा रहे हो, ठीक है, आप इंडिया के बाहर जा रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड दैट मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट सर्टेन. हो सकता है आपको 10-5 दिन लगे, हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना भी लग जाए. सो दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, दैट इज नॉट इन योर हैंड, एंड योर इंटेंशन इज नॉट देयर टू स्टे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज ओनली अनसर्टेन. तो वहां पे आप इसको ये नहीं मानोगे कि योर इंटेंशन इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, ठीक है. तो नहीं, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आपकी स्टे की सर्टेनिटी नहीं बन पा रही, आपका टेन्योर सर्टेन नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो इफ वी रीड इट अगेन, अगर हम फिर से पढ़ें, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज During the course of preceding financial year, but it does not include any person who has gone out of India or who stays outside India. India ke bahar abhi gaya hai ya India ke bahar hi reh raha hai. ठीक है, मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना, आप इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो और आप आए हो 182 डेज आप इंडिया में रह गए, तो आप रेसिडेंट कहला जाओगे? नहीं. If you've gone out of India or even if you stay outside India for employment, for business, for any other purpose, when your intention is to stay for an uncertain period. And uske baad agla point, a person who has come to stay in India, ab bahar ka koi person aaya hai, bahar ka koi person aaya hai otherwise than for employment, business or uncertain period. मतलब बाहर का कोई पर्सन आया छुट्टी मनाने, इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर हैं, इतनी सारी चीजें हैं देखने को, देखते देखते टाइम हो गया 190 डेज हो गए, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? नहीं, नो. इफ एनी पर्सन हैज कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो PRI हो जाएगा, तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा. पर अगर कोई पर्सन आया है अदरवाइज दैन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और फॉर एनी अदर पर्पस, एज वुड इंडिकेट दैट हिज स्टे इन इंडिया इज फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, अगर इन 3 पॉइंट्स के अलावा किसी और बात के लिए वो इंडिया आया है, तो वो PRI नहीं कहलाएगा. अगर इन 3 बातों के लिए आया है तो PRI कहलाएगा. जैसे इंडिया है, इंडिया से अगर कोई गया इन 3 बातों के लिए, तो वो PRI नहीं कहलाएगा, वो वहां का हो गया. इंडिया में अगर कोई आया इन 3 बातों के लिए, तो वो PRI कहलाएगा, वो यहां का हो गया. समझ में आई बात? क्लियर हुई सिचुएशन? नाउ
ये तो हमने बात किया पर्सन के रेसाइडिंग की, राइट। अब बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है, तो उन सब के लिए क्या बातें हैं। देखो, सो एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट हु इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वो PRI ही कहलाएगी। कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो PROI कंट्रोल कर रहा है, एक एजेंसी और यू कैन से ब्रांच इन इंडिया, मतलब इंडिया में है एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट समझो, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PRI, एजेंसी और ब्रांच आउटसाइड इंडिया, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, PRI। सो एनी एजेंसी ब्रांच इन इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय PROI और एनी एजेंसी और ब्रांच आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड बाय PRI, तो या तो वो इंडिया में हो या PRI उसको कंट्रोल कर रहा हो, दोनों सिचुएशन में हम उसको क्या मानेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सो वंस अगेन इफ यू रिपीट, वो क्या होगा, पर्सन जो रिसाइड कर रहा है इंडिया में फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पर हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो इंडिया के बाहर गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर कोई और पर्पस, जब उसका इंटेंशन है टू स्टे देयर फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, और हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो यहां आया है अदरवाइज देन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर अनसर्टेन पीरियड वाला, ठीक है। उसके अलावा हमने बोला कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है तो वो PRI कहलाएगी। कोई भी ब्रांच अगर इंडिया में है, जिसको देखो अगर PRI ही कंट्रोल कर रहा है तो फिर तो हमें बात ही नहीं है ना यार, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट तो यही होता है कि अगर PROI कंट्रोल कर रहा है तो भी उसको हम मानेंगे, अगर उसको किसी ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है विच इज आउटसाइड इंडिया तो वो भी PRI कहलाएगी। अभी इससे जुड़े हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है, सेक्शन 2 क्लॉज W। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, तो जो रेसिडेंट नहीं है इन इंडिया वो क्या हो जाएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेट्स लुक एट सर्टेन क्वेश्चंस एंड आवर कंसेप्ट ऑफ PRI एंड PROI विल बी मच मोर क्लियर, और फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आखिर हमने ये पढ़ा क्यों है। प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कंपनी कहां की है, बाहर की है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं जगह जगह। इट हैज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन पुणे। It has a branch in Dubai which is controlled by the headquarters in Pune. देखो, Printex Computers ये कहां पे incorporate हुई और register हुई है, Singapore में, Singapore based company है। मतलब क्या आप इसको बोल सकते हो, सिर्फ इसकी बात सुनना, क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये PRI है, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो PRI है ही नहीं, ये तो क्या हो गई, ये तो क्या हो गया, PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया।
उसके बाद हमने बोला कि इसकी एक यूनिट है जिसके हेडक्वार्टर्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स है, उसके हेडक्वार्टर का है पुणे में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी ऑफिस या ब्रांच या एजेंसी, ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ है? पुणे में। तो इसका ऑफिस कहाँ है? इन पुणे। मतलब ये ऑफिस इंडिया में हो गया। सो एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी विच इज इन इंडिया विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज अ PRI। तो ऑल्दो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? PROI। स्टिल हम इसको क्या बोलेंगे? PRI। So, इसका जो ऑफिस है, इसकी जो यूनिट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो पुणे में है, वो क्या कहलाएगी? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इसके बाद बोला गया कि इसकी एक ब्रांच भी है विच इज कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स इन पुणे। सुनना बड़े ध्यान से, इसकी एक और ब्रांच है जो कि कहां है? दुबई में है। ब्रांच कहां है? दुबई में है, मतलब इंडिया में नहीं है। एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी विच इज आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड, सुना मेरी बात, ओन्ड और कंट्रोल्ड, दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज ओन्ड बाय दिस प्रिंटिक्स कंप्यूटर विच इज बेस्ड इन सिंगापुर एंड इज अ PROI। So, अगर यहां पे हम सिर्फ ओनरशिप की बात करते ना तो ये PRI कभी नहीं बन पाता। पर अब मेरी बात सुनना, एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड बाय अ PRI इज ऑल्सो अ PRI। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स इन पुणे। That means control ये कर रहा है, ownership या control दोनों में से कोई भी अगर एक है तो हम इस criteria में पूरे होते हैं। तो ownership तो नहीं है, this particular branch is owned by PROI but it is controlled by PRI। तो accordingly ये भी क्या हो जाएगा? PRI। ये भी क्या हो जाएगा? PRI। Concept all clear हुआ? समझ में आया? चलो अच्छी बात है। तो ये PROI हो गया, ये PRI हुआ, ये भी PRI हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine whether the following branches can be considered as PRI under the Foreign Exchange Management Act. ABC Limited, a company incorporated in India, established a branch at London on 1st January 2003. So, क्या आप बोल सकते हैं इसको? It is an office branch or agency outside India, but it is owned or controlled by a PRI, right? तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। यस, मेसर्स एक्स वाई जेड अ फॉरेन कंपनी स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। द ब्रांच एट न्यू दिल्ली कंट्रोल्स अ ब्रांच एट कोलंबो। तो अब इसमें देखो तीन लोग इन्वॉल्व हैं, जो एक्स वाई जेड है फॉरेन कंपनी है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो तो क्या हो जाएगा? PROI हो जाएगा। जो न्यू दिल्ली में उनकी ब्रांच है वो PRI हो जाएगी, और जो कोलंबो में उनकी ब्रांच है वो भी PRI हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय अ PRI, ठीक है। तो इसमें जो तीन लोग हैं उन तीनों के बारे में आपको आंसर देना होगा, उन तीनों के बारे में आपको आंसर देना होगा।
डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001 फॉर लेस देन 183 डेज. ठीक है, ही केम टू इंडिया ऑन फर्स्ट मोर देन 182 डेज दिया है ना, तो मोर देन मतलब 182 डेज नहीं चलेगा, तो 183 डेज कम से कम होने चाहिए. ठीक है, ही केम टू इन इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर एम्प्लॉयमेंट. What would be his residential status during the financial year 2001-2002? 2000-2001 में हमने बोला कि वो 183 डेज से कम रहे. ठीक है, और वो इंडिया में आए, मतलब वो इंडिया के बाहर थे अभी तक, वो इंडिया में आए 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को, और हमसे बोला जा रहा है कि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2001-2002 क्या होगा. तो देखो 2001-2002 में तो वो पूरे टाइम इंडिया में रहे होंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए और फिर वो रहे. पर हम कैसे एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखते हैं. तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो वो नहीं थे, 183 डेज से कम थे, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ओनली. अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1999-2000. उन्होंने इंडिया छोड़ दिया 1 अगस्त को फॉर यूएसए फॉर परसुइंग हायर स्टडीज फॉर 3 इयर्स. उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको बताना है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको बताना है. देखो अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, मिस्टर एक्स पूरे साल थे 1999-2000 में, क्योंकि उन्होंने कब छोड़ा है, अगस्त 2000 में छोड़ा है. दैट मींस वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो पूरे टाइम थे. ठीक है, और वो गए हैं बाहर 3 साल के लिए. पर अगर हम अपने क्लॉजेस की बात करें तो ना तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, ना वो बिजनेस के लिए गए हैं, ना वो किसी ऐसे पर्पसेस के लिए गए हैं कि उनका अनसर्टेन पीरियड हो. ठीक है, तो ही इज नॉट गोइंग फॉर एनी ऑफ दीज 3 पर्पसेस. तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए तो हम उनको क्या मानेंगे? PRI ही मानेंगे. कंफ्यूजन एकदम भी मन में मत लाने देना. हमने क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या 182 डेज से ज्यादा रहा है. अगर रहा है तो वो PRI कहलाएगा. पर अगर 182 डेज से ज्यादा रहने के बावजूद वो उस साल में या तो आउटसाइड इंडिया था फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर चला गया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हम उसको नहीं मानेंगे. यहाँ पे तो क्या है, उस साल तो वो गया ही नहीं है सबसे पहली बात, और बाद में वो गया भी है तो उन पर्पसेस के लिए नहीं गया है. ठीक है, उन पर्पसेस के लिए नहीं गया है. अगला क्वेश्चन, मिस्टर राम इंडिया में रहा. ठीक है, मिस्टर राम इंडिया में रहा okay, this particular question is not there, right? Chalo, agla question dekhte hain. Examined with reference to the provisions of FEMA Act, the residential status of the branches mentioned below. NKP Limited एक इंडियन कंपनी है जिसका registered office है मुंबई में. उसने एक branch establish की न्यूयॉर्क USA में. क्या होगी? Yes. It will be a PRI. Why? Because it is controlled by a PRI. WIP Limited, a company incorporated and registered in London, established a branch at Chandigarh. Kya ye PRI hogi? Yes. Matlab WIP Limited to PRI nahi hogi, par uski jo Chandigarh wali branch hai, wo PRI hogi. WIP Limited ki ek Singapore branch hai, jo ki Chandigarh branch control kar rahi hai. To ye jo Singapore branch hai, ye bhi PRI kehlayegi. ये भी PRI कहलाएगी. अगला क्वेश्चन, मिस्टर सेकर रिसाइडेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 150 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2007-08 एंड देयर आफ्टर वेंट अब्रॉड.
तो 150 दिन वो रहे और उसके बाद इंडिया के बाहर चले गए। वो वापस आए इंडिया में 1 अप्रैल 2008 को एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, आप सिंपल देखो ना। 2008 के लिए आपको देखना है, सॉरी 2008-9 के लिए आपको देखना है, तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 2007-8। उसमें वो कितने दिन रहे हैं, सिर्फ 150 दिन रहे हैं, सिर्फ 150 दिन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस ऑफ स्टे। तो सबसे पहला क्लॉज तो आपका यही है कि पिछले साल देखो कितने टाइम पीरियड के लिए थे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर उसमें पर्पस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, मिस्टर किशोर रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 9-10 फॉर लेस देन 182 डेज। ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर बिजनेस। He closed down his business on 30th April 2011 and left India on 30th June 2011 for the purpose of employment outside India. Decide the residential status of Mr. Kishore during the financial years 10-11 and 11-12. देखो इसमें थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, बिकॉज इसमें हमें 2 years का दिया है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 2009-10 की, तो 2009-10 में वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहे, लेस देन 183 डेज, राइट, इतने टाइम पीरियड के लिए वो रहे। उसके बाद हमने बोला कि 1 अप्रैल 2010 को वो इंडिया में आए फॉर बिजनेस, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को वो इंडिया में आए फॉर बिजनेस। उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज डाउन किया 30th अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2010 से 30th अप्रैल 2011 तक, मतलब पूरे साल वो इंडिया में रहे, राइट, पूरे साल वो इंडिया में रहे। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 2010-11 में resided for more than 182 days, right? और उसके बाद 30th June 2011 को वो चले गए for employment outside India, for employment outside India। कब गए, मतलब 2011-12 में जून में वो चले गए फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। हमको बोल रहा है कि आप हमको रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए इस साल का और इस साल का। जब हम इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तो हमें क्या देखना होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका क्या स्टेटस था। तो अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात मानिए तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 183 डेज से कम रहे हैं, सो हियर ही विल बी कॉल्ड एज अ PROI, दैट इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 10-11 ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब अगर हम बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस 11-12 का, रेसिडेंशियल स्टेटस 11-12 का, तो यहां पे तो वो पूरे टाइम रहे हैं, सो हियर ही विल बी अ PRI, हियर ही विल बी अ PRI इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बीच में चले गए। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो अगला पॉइंट पे आऊं। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हम वापस अपने क्लॉजेस पे आए, अपनी डेफिनेशन पे आए, तो हमने देखा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु इज रेसिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट।
सो अगर हम बात करें तो वो 30 जून को एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए बाहर चले गए हैं, तो उस डेट से ही विल सीज टू बी अ पीआरआई, ही विल सीज टू बी अ पीआरआई. सो अप टू 30 जून वो पीआरआई कहलाएंगे, आफ्टर 30 जून ही विल बी कॉल्ड एज अ पीआरओआई. नाउ आई होप आपको चीजें और क्लियर होंगी. हमने बोला कि पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये 182 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ये पीआरआई ही होने चाहिए, पर क्योंकि अब ये जा रहे हैं और चले गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर, तो जब ये चले गए उसके बाद आप इनको पीआरआई नहीं कह सकते हो, उसके बाद आप इनको पीआरआई नहीं कह सकते हो, ठीक है. सो नाउ आफ्टर दिस डेट ही विल बी कॉल्ड एज अ पीआरओआई, ठीक है. इज दैट क्लियर?